गेहूँ की स्थिति अभी मोटा मोटी वही रफ्तार है, कभी कम हो जा रहे हैं कभी ज़्यादा हो जा रहे हैं, क्योंकि मौसम में नमी के कारण ये देखा जाता है। हर साल इतनी केसेस तो डेंगू के नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं है। 280 केस और एक चिकनगुनिया का मिला के 281 केस टोटल हमारे जिला में है। सभी जगह काम कर रहे हैं लोग, इससे जागरूकता, इसकी जागरूकता के लिए, इसके बचाव के लिए फॉगिंग हो रही है। जहाँ जहाँ डेंगू के मरीज मिले हैं वहाँ वहाँ फॉगिंग हो रही है, शहर से लेकर उन क्षेत्रों में, खास करके जहाँ डेंगू के मरीज मिले हैं। सभी PHC में और सदर में भी डेंगू की मरीजों को इलाज की व्यवस्था की गई है, इलाज हमारा हो रहा है, पूरी जांच की फ्री व्यवस्था, मुफ्त व्यवस्था है, एलिजा टेस्ट हो रही है। जिसको भी पॉजिटिव आ रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं घर पर रहिए, पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं, इसकी कोई बहुत इलाज नहीं है, लेकिन शरीर में पानी की मात्रा प्रचुर रहनी चाहिए और बुखार तेज हो तो आप पारासीटामोल और बीकम्प्लेक्स का उपयोग करें और घर पर रहें, स्वच्छ खाना खाएं, घर के अगल बगल अपने घर में साफ सफाई सूखा रखने की कोशिश करें, या कूलर है या पानी जम रहा है या गंदगी कहीं है तो उसको साफ रखें, यह इससे बचने का उपाय है। रात में मच्छरदानी का उपयोग करें, शरीर में तेल का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर वहाँ नहीं बैठ पाए, और लोगों को भी अपनी तरफ से जागरूक की जाए। पिछले 24 घंटे में कितने मरीज, पिछले 24 घंटे में 10 मरीज मिले हैं, जिसमें एक मुशहरी के हैं, 3 शहरी क्षेत्र के हैं, 2 मीनापुर के हैं, 1 मोतीपुर का है, 1 बोछा का है, 1 कुढ़नी और 1 औराई का है। ये टोटल मिला के 281 केस, 1 चिकनगुनिया के लेके, 2 चिकनगुनिया का और केस है जिसके साथ, लेकिन डेंगू के साथ है, वो डेंगू के मिलाकर ये स्थिति है। प्रदूषण का बड़ा, इसके लिए मेरी बात भी हुई है, हम लोग पानी का उस पर छिड़काव करवाएंगे। परसों हम लोग भी वहाँ से, मैं वहाँ से आ रही थी, देख बहुत ज़्यादा प्रदूषण था, धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही थी जहाँ पे काम हो रहा है। इसको लेके कल भी मेरी बैठक भी है, तो इस पर भी हम लोग उन लोगों के सामने इस बात को बोलेंगे कि जहाँ जहाँ नगर, जहाँ पर स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है वहाँ पर पानी का छिड़काव होते रहना चाहिए। डेंगू का पर्व चालू हो गया है, शहर में गंदगी का अंबारा नज़र अभी भी दिखने को मिला, पूजा पंडालों के पास गंदगी दिखने को मिल रहा है। हाँ, तो पर्व शुरू हुआ है, तभी इससे पहले भी मैंने समीक्षा बैठक की थी, और जहाँ पर गंदगी है वहाँ निगम के कर्मचारी लगे हैं, जहाँ पे कमी है मैं उसको पूरा दूर करवाती हूँ। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो छठ महापर्व भी है तो नहीं, हम लोग आज ही करने, परसों में, कल भी मैंने किया है, फिर कल भी हम लोग इस पर देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या कमी है, उसको हम लोग दूर करवा देते हैं, जहाँ पर सफाई नहीं हुई है, क्या जहाँ पर कहीं पर अगर पानी जमा है या स्लैब का दिक्कत है, रोड टूटा है, कल भी इसका हम लोग निरीक्षण करके, हम लोग इससे पहले भी, जब दुर्गा पूजा से पहले भी हम लोगों ने सबको बुला करके बैठक ली करवाई थी, हम लोगों ने बैठक लिया था, तो उस समय हम लोगों ने निर्देश भी दिया था, अब जहाँ कमी है उसको हम लोग करवा लेते हैं। असर नहीं दिख रहा है, असर तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कल हम लोग जब निकल रहे थे, हम लोग खुद अपनी आँख से देखेंगे, तब सबको बुला के फिर एक बार सबसे जवाब हम लोग पूछते हैं कि क्या कारण है, किस कारण से नहीं हो रही है। रोड का पीचिंग किया जा रहा है, लेकिन वो पीच जो है रात में बनता है और सुबह में पूरा उखड़ रहा है। जब ऐसा है तो अगर उखड़ रहा है तो जब तक बंद नहीं होगा, गीला ही रहता होगा, ट्रैफिक उस पर चालू होता होगा, तो इस पर वहाँ पे कुछ बैरिकेडिंग भी किया जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे लोग, जहाँ पे काम हुआ है, जब पीच मतलब जहाँ पे रोड जो टूटा है उसका जो मरम्मत हुआ है, वहाँ पे परेशानी नहीं हो। नवरात्रि के लिए नगर निगम की ओर से व्यवस्था तो कराई गई है, हर जगह साफ सफाई, जितने भी कचरे हैं जगह जगह डस्टबिन, कचरों के लिए डस्टबिन रखा गया है, और आदेश दिया गया है नगर निगम की ओर से कि साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी तरह से हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि नहीं हो पा रही है, तो इन्हीं सब मुद्दों पर मैं आवाज उठाती हूँ, तो बहुत सारे मैटर उठ जाते हैं और मेरे साथ भी समस्याएं तो आती हैं, लेकिन मैं समीक्षा बैठक करूंगी, जो कौशल जी हैं प्रभारी उनको। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO।